हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एलबी। पिछले लेक्चर में हमने क्लियर कर दिया था कि प्लांट किंगडम जो होता है वो डिवाइड कैसे होता है और उससे उसमें एलबी की जो पोजीशन है वो किस स्थान पर है। तो प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चीज क्या पाई जाती है, एलबी। जो एलबी होती है इसकी जो स्टडी ब्रांच होती है, स्टडी ब्रांच कहलाती है फाइकोलॉजी, स्टडी ब्रांच, स्टडी ब्रांच ऑफ एलगी। एलगी यानी एलगी के अध्ययन की वह शाखा या अध्ययन की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एलगी का अध्ययन करते हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। और जो फाइकोलॉजी है इसमें जो मॉडर्न फादर ओपी एम ओपी लैंगर, एम ओपी लैंगर जो थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यानी जो हमारे ओपी एंगर थे, इन्होंने ही क्या किया था, एलगी की जो मॉडर्न स्टार्टिंग है, रिसेंट वर्क है, वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। और वो भी कहां पर, ऑफ इंडिया, भारत। सबसे पहले इन्होंने जिस एलगी पर काम किया था या जिस एलगी को उन्होंने खोजा था वह क्या थी, टेस्टियल एलगी थी, यानी ऐसी एलगी जो क्या थी, सतहों पर पाई जाती थी। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर के बारे में, यानी स्वभाव या लक्षण, आप कह सकते हैं कि एलगी का स्वभाव कैसा होता, लक्षण कैसा होता, सबसे पहली चीज होती है जो एलगी होती है ये थैलाइड प्लांट होती है, थैलाइड प्लांट। अब फिर क्वेश्चन होता है कि थैलाइड प्लांट क्या है, यानी ऐसा प्लांट जो क्या हो, थैलस के रूप में पाया जाए, यानी वो मॉसेस के समान या एक मोटे परत के समान दिखाई दे, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, थैलाइड प्लांट। अगर कोई प्लांट थैलाइड है तो उसमें दूसरी सबसे मेन चीज होगी कि जो रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होंगी, ये सब क्या होंगी, एब्सेंट होगी, यानी उनमें जड़ तना और पत्ती का क्या होगा, अभाव होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। अब जड़ तना और पत्ती जब स्पष्ट से दिखाई नहीं देती है तो इसी बेस पर जो हमारी एलगी होती है ये क्या होती है, ये दो प्रकार की हो जाती है, यानी टू टाइप्स की हो जाएगी। अब फिर होता है कौन कौन सी, तो सबसे पहली ऐसी टाइप होती है कि एलगी क्या हो, सिंगल सेल में ही अपनी लाइफ कंप्लीट कर ले, यानी सिंगल सेल एलगी। और दूसरी ऐसी जो क्या करे, कई सेल में, तो इसे क्या कहेंगे, मल्टी सेल्ड एलगी। अब अगर एलगी ऐसी है जो क्या करे, कई सेल में अपनी लाइफ व्यतीत करे, मल्टी मीन मेनी, सेल मीन कोशिकाओं में, तो कई कोशिकाओं से अगर मिलकर एलगी बनी हुई हो या कई कोशिकाओं के द्वारा उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही हो तो ऐसी एलगी क्या कराएगी, मल्टी सेल्ड एलगी। और अगर सारी प्रक्रियाएं जीवन की जो संबंधित है वो क्या हो, एक ही सेल में कंप्लीट हो जाए तो ऐसी एलगी क्या कराएगी, सिंगल सेल एलगी। जो सिंगल सेल एलगी होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास, जबकि जो मल्टी सेल एलगी है इनके एग्जांपल स्पाइरोवाइला, यूरोथ्रिक्स, ये सब होते हैं। अब अगर हम बात करें अगले कैरेक्टर की, तो एलगी में जो अगला कैरेक्टर होता है इनका जो बॉडी होता है ये म्यूकस से कवर्ड होता है, यानी बॉडी कवर्ड बाय म्यूकस, यानी शरीर जो हो क्या हो, म्यूकस से ढका हो। और फिर वो होता है कि म्यूकस से बॉडी कवर्ड की है, क्योंकि जो एल्गी होती है ये मेनली एक्वाटिक होती है, इसलिए इनकी बॉडी को म्यूकस से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये सन के एडवर्स इफेक्ट से क्या हो, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। अब जितनी एल्गी होती है इनकी एक खासियत होती है कि एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, यानी इनमें जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटो टाइप्स का होगा और ऑटोनॉमस टाइप का, यानी ये अपना फूड क्या करेंगे, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। और उसके लिए जो प्रोसेस यूज करती है वो प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें एक चीज और जानने वाली बात होती है कि एलगी के केस में जो फोटोसिंथेसिस तो होता है बट यहां क्या होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है, बट ग्रेना एब्सेंट होता है। अब फिर होता है कहां, तो ग्रेना कहां पाई जाएगी, ग्रेना पाई जाएगी कहां, क्लोरोफिल में, यानी ग्रेना एब्सेंट हो जाएगा किसमें, क्लोरोफिल में।
अब फिर होता है कि अगर केवल क्लोरोफिल ही पाया जाता है तो एल्गी कैसे डिफरेंट कलर की होती है, यानी जो उसके क्लासेज आपने डिवाइड किए थे वो कैसे बन गए थे। तो जरूरी नहीं कि एल्गी में केवल फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ही हो, क्लोरोफिल के सिवाय और भी दूसरे पिगमेंट है जैसे जैंथोसिन, जैंथोफाइसिन, क्रेटिन, केरोटिन, इस तरीके से और भी दूसरे पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं पाए जाते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब अगर बात की जाए कि एल्गी जो है वो एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जनन कैसा होगा, तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जनन की अगर हम बात करें तो ये तीनों टाइप का होता है, यानी वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल, यानी तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कुछ बुकों में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या किया गया, एक में मर्ज कर दिया गया है, उस कंडीशंस में केवल दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन दिखाए गए, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। अब यहां होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किस टाइप का होता है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो एल्गी होती है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस, दूसरा होता है एन आइसोगैमस और तीसरा होता है ओगैमस। टर्म आइसो, आइसो मीन्स होता है इक्वल यानी बराबर, जब क्या हो मेल और फीमेल गैमेट की साइज क्या हो एक समान हो तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे, यानी समयुग्मकी। एन आइसोगैमस यानी अनइक्वल, यानी जो क्या हो गैमेट हो वो क्या हो मेल और फीमेल गैमेट की साइज एक समान ना हो बल्कि एक छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे एनाइसोगैमस टाइप। तीसरा होता है ओगैमस, यानी एग की जो साइज हो वो बड़ी हो, नॉन मूवेबल हो, जबकि जो मेल हो वो क्या हो मूवेबल हो, उसकी साइज छोटी हो, तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे ओगैमस टाइप। और यह जो होगा इसका हिंदी नाम हो जाएगा अंडयुग्मजी। अब अगर हम बात करें हैबिट और हैबिटेट की, कि एल्गी का वास स्थान कहाँ है, एल्गी कहाँ पाया जाता है, तो जो एल्गी होता है ये जल से संबंधित सभी स्रोतों पर पाया जाता है, हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति एवं वास स्थान, यानी जो एल्गी है वो उसका स्वभाव कैसा होगा और वो कहाँ पाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज होती है फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी, यानी ऐसा शैवाल जो क्या हो कहां पाया जाए, एल्गी में शैवाल, तो ऐसा शैवाल जो कहां पाया जाए, फ्रेश वाटर में पाया जाए, यानी जल में पाया जाए। फिर क्वेश्चन होता है कि फ्रेश वाटर जो है उसमें क्या क्या आएंगे, तो जितने हमारे रिवर है, पॉन्ड है, पूल्स है, स्ट्रीम्स है, यानी नदी, तालाब, झरना, ठीक, ये सब क्या है हमारे फ्रेश वाटर सोर्स माने जाते हैं, और इनमें जितनी भी एल्गियां पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं फ्रेश वाटर एल्गी, यानी स्वच्छ जलीय शैवाल कहते हैं। दूसरा होता है हैलोफाइट्स या हैलोफाइटिक एल्गी। जो हैलोफाइटिक एल्गी होती है ये हमारे कहां पाई जाती है, सलाइन वाटर में पाई जाती है, यानी ऐसे वाटर जिनकी सलाइनिटी अधिक हो या सलाइन, या जिनमें आप कह सकते हैं कार्बोनेट्स सोडियम और पोटेशियम के पाए जाए, उन सब में क्या होगा हैलोफाइट एल्गी हमारी पाई जाएंगी। तीसरी होती है क्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट्स या क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, नाम से ही क्लियर है कि जो क्रिप्टोफाइट्स है ये पाए कहां जाएंगे, ये ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहां क्या हो स्नो हो, और जो स्नो होती है यानी बर्फ, तो आप कह सकते हैं कि ये स्नो यानी बर्फ, तो ये कहां होंगी, ऐसे पहाड़ों पर पाए जाएंगी जो पहाड़ क्या हो बर्फ से ढके हो, उन पहाड़ों पर पाए जाएंगी हमारी क्या क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पहाड़ों पर दिखने वाली रेड स्नो, यानी जो हम पर्वतों पर देखते हैं लाल बर्फ, वह क्या है हमारी क्रिप्टोफाइटिक फाइसी ग्रुप की एक मेंबर होती है हेमैटोकोकस नेबुलस, और उसी के द्वारा ये रेड स्नो स्नो क्रिएट होता है, हेमैटोकोकस नेबुलस।
इसी के द्वारा ये रेड स्लोप क्रिएट किया जाता है। कहां? ऐसे पहाड़ों पर जो क्या हो, उड़ते या स्लोप बर्फ से ढके हो। अगला होता है इपीफाइट्स या इपीफाइटिक एल्गी एल्गी। अब फिर होता है कि इपीफाइट्स क्या है, तो इपीफाइट्स, इपी मीन्स अपान ऊपर, तो ऐसे एल्गी जो क्या हो किसी एक्वेटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करें, ठीक। तो इस एल्गी को हम क्या कहेंगे, इपीफाइटिक। यहां एक चीज, एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि और भी कैटेगरियां हैं जो क्या होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करती है। अब इपीफाइटिक ग्रो कर रही है लेकिन इससे क्या हो रहा है, उस प्लांट पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगली कैटेगरी होती है सिम्बायोटिक। अब यहां जो सिम्बायोटिक एल्गी है ये भी दूसरे प्लांट पर ग्रो करेगी, लेकिन क्या होगा, ये उसको हेल्प करेगी और बदले में उससे भी क्या लेगी, हेल्प लेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है लाइकेन। अगली कंडीशंस, ये भी ग्रो करने के बेस पर है, ये होता है पैरासाइट, परजीवी। आपको पता ही है, यानी ऐसी एल्गी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करे और बदले में क्या करे, उसे डिजीज कर दे, तो इस प्रकार की एल्गी को क्या कहेंगे, पैरासिटिक एल्गी। अगला है इपीजोइक। अब इपी यहां भी है और इपी यहां भी है, ये भी क्या करेगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेगी, लेकिन क्या है, जोइक मीन्स एनिमल और फाइटिक यानी प्लांट। अब ये क्या करेगी, जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जंतु, इन जलीय जंतुओं के शरीर पर क्या होगी, जो हमारी इपीजोइक एल्गी होगी वो उनके शरीर पर ग्रो करेगी। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो ग्रीन एल्गा ऑन स्नेल, यानी घोंघों के जो खोल होते हैं उस पर उगने वाले हरे एल्गी। अगली कैटेगरी जो होती है इसको हम कहते हैं इंडोजोइक। टर्म इंडो, इंडो मीन्स अदर, इनर यानी शरीर के अंदर, और जोइक मीन्स एनिमल, यानी ये क्या होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे और क्या करेंगे, उसके बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हाइड्रा वर्डस। तो इस तरीके से जो हैबिट एंड हैबिटेट के, ये आठ अलग टाइप के एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने हैबिटेट के बेस पर डिवाइड होते हैं, अपने नेचर के बेस पर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपका जो हैबिट और हैबिटेट ऑफ एल्गी है, इस तरीके से ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।